ये गुड़हल का हमारे देसी गुड़हल है और इसको हमने रीपॉट किया था, प्रूनिंग भी करी थी। देखिए उसके बाद का अपडेट है, ये बहुत ही खूबसूरत चल रहा है, पत्तियाँ अच्छी अच्छी आ गई हैं। इसी तरह से एक और है, देखिए ये वो वाइट कलर का है, इसमें भी पत्ती हल्की हल्की आ गई हैं। देखिए ये भी रिपोर्ट किया था, आपको एक और दिखाते हैं इसी प्रकार से। ये वाला ये है और ये एक इसमें एक पिंक कलर का है ये वाला, और ये मिनी हिबिस्कस है। तो अब इस समय जब इनमें छोटी छोटी पत्तियां निकल आई हैं तो इनको ज़रूरत पड़ती है थोड़ा खाना पीने पानी की। हालांकि इसमें जब हमने रिपोर्ट किया था तो मैंने गोबर की सड़ी खाद दी थी, नीम की खली दी थी, बोन मील दी थी और फंगीसाइड डाला था, ट्राइकोडर्मा एक ऑर्गेनिक आता है वो डाला था। अब इस समय इनको ज़रूरत है फास्फोरस की। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा खाना पीना देंगे तभी ये पौधे चलेंगे। तो अब फास्फोरस देने के लिए इसको जड़ों के विकास के लिए, क्योंकि जड़ें हमने काटी थी इसकी, पत्ती हल्की हल्की आने लगी हैं, अब जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस चाहिए। तो फास्फोरस के लिए वहाँ पर तीन ऑप्शन है, एक है NPK जो नॉर्मल है, घुलनशील होती है, जो आसानी से घुल जाती है, और दूसरी है DAP डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें भी फास्फोरस होता है, इसमें फास्फोरस करीब 46% होता है। NPK में जो भी डालें आप 19-19-19 डालें तो उस हिसाब से 19-19-19 नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, उसमें 19-19 होगा, 0-52-34 डालें 52 होगा, इसमें पोटास की ज़रूरत अभी है नहीं, हमें तो पोटास अभी देनी नहीं है अभी, क्योंकि जो भी देना हो तो पहले में दे देते, अभी देने की ज़रूरत नहीं पोटास की। अब एक आता है सिंगल सुपर फास्फेट। अब सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम भी होता है, सल्फ़र भी होता है, कैल्शियम करीब 20-22% होता है, सल्फ़र होता है और नाइट्रोजन भी थोड़ा होता है, और फास्फोरस भी करीब 15-16% इसमें होता है। तो अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ एक सिंगल सुपर फास्फेट की क्या है, जो हमने ऑब्जर्व करी या जो हमने समझा है, समझने की कोशिश करी, ये धीरे धीरे घुलती है, यानी इंस्टेंट नहीं मिलेगी। NPK डालेंगे तो इंस्टेंट मिलेगी, तो धीरे धीरे घुलेगी और धीरे धीरे चलेगी। तो हम इसमें सिंगल सुपर फास्फेट के करीब करीब आधा चम्मच पर गमले के हिसाब से डालेंगे। आधा चम्मच क्या मतलब, ये समझ लीजिए 10 दाने, 7-8-10 दाने, ज़्यादा मत डालिए। सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, उससे क्या है इसकी फास्फोरस की कमी पूरी होगी और इसमें जड़ों का विकास ज़्यादा होगा। तो आप लोग भी चाहें तो हमारे इसको आप अपना सकते हैं। देखिए मैं केमिकल का प्रयोग फूलों में ज़रूर करता हूँ और केमिकल का प्रयोग फलों के पौधों में तभी करता हूँ जब हमें उसके सिम्टम दिखाई देते हैं या कुछ उसको तकलीफ़ होती तभी होता, अदरवाइज़ हम उस पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे ही काम चलाने की कोशिश करते हैं। अब उसका कितना असर होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं कि उसको ना दिया जाए केमिकल। लेकिन हाँ, अगर सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कि उसमें ऐसा कोई रोग लग गया है, जो लक्षण दिख रहे हैं, मुझे ये कन्फर्म पता लग जाता है कि हमको ये केमिकल डालने पर हमें इसमें फ़ायदा मिलेगा, तो हम केमिकल का छिड़काव कर देते हैं, मिट्टी में कम से कम डालते हैं, क्योंकि मिट्टी को हम नहीं चाहते कि ख़राब हो। दोस्तों इस तरह से आप अपने इस गुड़हल के पौधों में, जो हमने देसी हमारे सारे हैं, तो इनमें हम ये सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे आज और पानी डालेंगे। आप भी चाहें, आपने तीनों ऑप्शन हमने बता दिए हैं, NPK क्यों नहीं डालेंगे, DAP क्यों नहीं डालेंगे, DAP एक्चुअली फिक्स हो जाती है, इसलिए DAP का फास्फोरस 28 दिन बाद काम शुरू करता है, इसलिए DAP नहीं डालेंगे। सिंगल सुपर फास्फेट में भी फास्फेट थोड़ा टाइम लगा के काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे घुलेगा, इसके धीरे धीरे चाहिए, इसलिए सिंगल सुपर फास्फेट में हमें कैल्शियम भी मिल जाएगा, सल्फर भी मिलेगा। दोस्तों राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार के अपडेट के लिए देखते रहिए राम की बगिया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, धन्यवाद।